हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम में। आज 5 जून आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पूरा विश्व आज के दिन पर्यावरण दिवस मनाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप भी आज के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे और कम से कम एक पौधा जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो आइए अपने लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं। कल हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था, हिमालय के बारे में पढ़ा था और अपन ने देखा था कि पर्वतीय भाग को अपन ने 3 भागों में बांटा था, हिमालय, दर्रे और हिमालय विभाजन। अपना हिमालय का पार्ट पूरा हो गया था, अब बारी है दर्रों की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने मैप दिख रहा है, ये पूरा उत्तर भारत का मैप है। इसमें आपको ये जो दो लाइनें दिख रही हैं, ये दर्रे दिखाए गए हैं और इसमें ग्लेशियर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले ग्लेशियरों की। तो जम्मू कश्मीर में ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये काराकोरम श्रेणी है। ये काराकोरम श्रेणी में 5 ग्लेशियर पड़ते हैं। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ा ग्लेशियर होता है अपना ससाइम ग्लेशियर। इसका सबसे बड़ा ग्लेशियर होता है ससाइमी ग्लेशियर, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है ससाइमी ग्लेशियर। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, जो कि काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके बाद अपना सबसे पूर्व की साइड एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, दूसरा ग्लेशियर अपना सियाचिन ग्लेशियर। ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तीसरा है अपना हिस्पर ग्लेशियर, ये सियाचिन के जस्ट ऊपर स्थित है, हिस्पर ग्लेशियर। चौथा है अपना बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर। तथा पांचवा है अपना बाल्टोरो ग्लेशियर। ये ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। ठीक है, जैसे जे दिया काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ये सब ग्लेशियर। इनमें से सियाचिन ग्लेशियर अपना पीओके में स्थित है। ठीक है, वैसे तो ये सारे स्थित हैं पर बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर की, जो पीओके में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से? नुब्रा नदी। जैसे भारत की सेना को अगर सियाचिन ग्लेशियर पे जाना हो तो उन्हें नुब्रा घाटी पार करनी होती है, तब जाके सियाचिन ग्लेशियर में आप जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे आगे ग्लेशियर पे। अब बात करते हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर की। उत्तराखंड में भी 2-3 ग्लेशियर हैं। जैसे उत्तराखंड जी है तो यहां पर है अपना यमुनोत्री ग्लेशियर, जैसे उत्तराखंड, तो पहला है अपना यमुनोत्री ग्लेशियर।
दूसरा है अपना गंगोत्री, और तीसरा अपना आएगा मिलान ग्लेशियर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलान ग्लेशियर से पूछा जाता है कि मिलान ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कौन सा है अपना उत्तराखंड। और आपको पता है यमुनोत्री गंगोत्री तो उत्तराखंड में है ही, यमुनोत्री ग्लेशियर से अपनी यमुना नदी निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, ठीक है। पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलान ग्लेशियर का पूछा जाता है कि मिलान ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं अपन सिक्किम में, सिक्किम में अपना एक ग्लेशियर स्थित है, ठीक है, जिसे जेमू ग्लेशियर कहते हैं। कौन सा है? जेमू ग्लेशियर। ये अपना सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम में एक ग्लेशियर है जो जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से अपनी तीस्ता नदी निकलती है, ठीक है। मतलब तीस्ता नदी कहां से निकलती है? अपनी सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से, और बंगाली खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो सिक्किम से कौन सी नदी निकली? अपनी तीस्ता, तीस्ता नदी जेमू ग्लेशियर से सिक्किम से निकलती है, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने ग्लेशियर। अब बात करते हैं अपन दर्रों की, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से दर्रों की स्टार्ट करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में ये कुछ श्रेणियां दर्शाई गई हैं, ये लाइनें दिख रही होंगी आपको ब्लैक ब्लैक, ये कुछ श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी अपनी है काराकोरम श्रेणी, दूसरी ये लाइन ये श्रेणी है अपनी, यह लद्दाख श्रेणी, तीसरी जो लंबी श्रेणी है ये जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश तक आई है, तीसरी श्रेणी अपनी जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश तक आई है, यह अपनी पीर पंजाल श्रेणी, और चौथी है अपनी, चौथी कौन सी, चौथी सॉरी चौथी श्रेणी अपनी धौलाधर श्रेणी, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अपन लद्दाख श्रेणी में। अच्छा पहले काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी में एक दर्रा स्थित है जो है काराकोरम दर्रा सबसे ऊपर, ठीक है। ये दर्रा जब वो सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है, ठीक है। यह पाकिस्तान और चीन के मार्ग को दर्शाता है, मतलब आप अगर चीन से पाकिस्तान मतलब पीओके में एंटर करना चाहते हैं तो आपको काराकोरम दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन दूसरा दर्रा लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला दर्रा, ठीक है। खारदुंगला दर्रा के जस्ट नीचे मतलब दक्षिण में लेह शहर स्थित है, ठीक है। अगर आपको लेह शहर से सियाचिन ग्लेशियर जाना हो, अगर आपको लेह शहर से सियाचिन ग्लेशियर जाना हो तो आपको खारदुंगला दर्रा से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पीर पंजाल श्रेणी की। पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत अपने चार दर्रे आते हैं, ठीक है, जिनमें से दो दर्रे तो अपने जम्मू कश्मीर में हैं और दो दर्रे हैं अपने हिमाचल प्रदेश में। तो पहला है अपना बुर्जल दर्रा, तो बुर्जल दर्रा अपना पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत है, ठीक है। दूसरा है अपना जोजला दर्रा, जोजला दर्रा भी अपना पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत है। तीसरा आता है अपना बारालाचा दर्रा और शिपकिला दर्रा। बारालाचा दर्रा और शिपकिला दर्रा अपने हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है, पर पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बनिहाल दर्रे की। बनिहाल दर्रा अपना धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और बनिहाल दर्रा के जस्ट दक्षिण में अपना जम्मू शहर है और इसके उत्तर में श्रीनगर है, ठीक है। तो अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना हो तो आपको बनिहाल दर्रे से होकर जाना होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन उत्तराखंड के दर्रों की।
जो उत्तराखंड में अपने दो तीन दर्रे हैं, जैसे इनके सर नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे उत्तराखंड में अपना मुलिंग दर्रा, मानाला दर्रा, नितीला दर्रा और लिपुलेक दर्रा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सिक्किम में। सिक्किम में अपने कितने दर्रे हैं? सिक्किम में अपने दो दर्रे हैं, जेरेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, ठीक है। जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा कहां पे? अपने सिक्किम में। अच्छा, यहां पे हम एक चीज बताना भूल गए आपको, हिमाचल प्रदेश में जो अपना हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा है, इसके पास से अपनी सतलज नदी निकलती है, ठीक है। सतलज नदी कहां से निकलती है? सतलज नदी वैसे निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, राकस्ताल से, और ये भारत में एंटर करती है शिपकिला दर्रे के समीप से, ठीक है। शिपकिला दर्रे के समीप से भारत में एंटर करती है कौन सी नदी? सतलज नदी, ठीक है। अब अपन कहां पे थे? अपन थे सिक्किम में। सिक्किम में कौन कौन से हुए थे अपने? जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। अब बात करते हैं अपन अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में अपने कौन कौन से दर्रे हैं? जैसे बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, कावरी फायरपोला दर्रा, दिफू दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है दिफू दर्रा, ठीक है। यहाँ पे पांग साठ दर्रा और लिखा पानी दर्रा, ये सब अपने अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं, ठीक है। यहाँ पे एकमात्र दर्रा आएगा अपना मणिपुर में, तो मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में ये जो दर्रे हैं, तीन दर्रे मतलब दिफू, पांगसार और लिखा पानी, ये म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे म्यांमार देश अपना स्थित है, तो ये उसकी सीमा पर स्थित हैं, ठीक है। तो आइए अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार और अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर जाके अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में पहले तो अपन ने ग्लेशियर पढ़े, तो ग्लेशियर कौन कौन से थे अपने जम्मू कश्मीर में? ससाईमी ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बियापो ग्लेशियर और बालटारो ग्लेशियर, ठीक है। ये अपने जम्मू कश्मीर में स्थित ग्लेशियर थे, ठीक है। इसके बाद अपने उत्तराखंड अपना यहां स्थित है, देखिए ये छोटा सा ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में अपने कौन कौन से ग्लेशियर थे? अपने मिलान ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर, जिनमें से यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है अपनी, और गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। और एक ग्लेशियर अपना सिक्किम राज्य में था, तो सिक्किम में कौन सा ग्लेशियर था अपना? जेमू ग्लेशियर, ठीक है। जेमू ग्लेशियर से अपनी कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी, और ये कहां पर रहती है? बंगाली खाड़ी में। अब बात करते हैं अपन दर्रों की। तो पहले अपने कौन सा दर्रा था? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा चीन और पाकिस्तान के मार्ग निर्धारित करता है, ठीक है। उसके बाद था अपना खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा अपना लद्दाख श्रेणी में स्थित है और लेह शहर को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। तीसरा था अपना बुरजल दर्रा। बुरजल दर्रा और जोजिला दर्रा ये पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत दूसरे राज्य में कौन कौन से आते हैं? दूसरे राज्य में आते हैं बारालाचा दर्रा और शिपकिला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है। अब है अपना बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में आता है और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे थे अपने? मुलिंग दर्रा, मानाला दर्रा, नितीला दर्रा और लिपुलेक दर्रा, ये अपने उत्तराखंड में स्थित है। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं अपने? जेलेपला और नाथुला दर्रा, इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं अपन को। अब आगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में अपने कितने दर्रे थे? बोमडिला, यांगयाप, कागरी फारपोला, दिफू, पांगसाड और लिखा पानी,
ठीक है, एक एक दर्रा अपना मणिपुर में स्थित है, वो कौन सा है? तुजू दर्रा। तो आइए दोस्तों, इन दर्रों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं अपन। जैसे पहला है अपना खैबर दर्रा। खैबर दर्रा ये अपना जम्मू कश्मीर के पास स्थित है, ठीक है, इसको हमने मैप में दिखाया नहीं है। ये खैबर दर्रा अपना पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है, ठीक है, ये यहां पर है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है खैबर दर्रा। दूसरा है अपना जो बनिहाल दर्रा था, ये बनिहाल दर्रे में अपनी जवाहर सुरंग स्थित है, ठीक है, बनिहाल दर्रा जो है अपना इस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है, ठीक है, जो भारत की बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग, ठीक है। दूसरा है अपना पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा अपना दक्षिण भारत में स्थित है, मतलब नीचे साइड यहां, जैसे ये उत्तर भारत तो दक्षिण भारत में स्थित है अपना पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा केरल राज्य को तमिलनाडु से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है, जैसे केरल को अगर तमिलनाडु से जोड़ना जाना है अपन को तो किस दर्रे से जाना होगा अपन को? पालघाट दर्रे से। अब बात करते हैं अपन मानसरोवर झील की। जैसे तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील और यहीं पे अपना वो शिव जी का मंदिर स्थित है, मतलब पर्वत, शिव पर्वत स्थित है, तो वहां पर अपन को कैसे जाना होगा? तो वहां पर तीर्थ यात्री भारत के मानाला दर्रे से होकर जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी को मानसरोवर झील जाना है तो वो मानाला दर्रे से होकर जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन पीलीघाट दर्रे की, ठीक है। पीलीघाट दर्रा अपना अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी अपनी, ये मिटा रहा हूं, अरावली पर्वत श्रेणी अपनी यहां पर स्थित है, ये अरावली पर्वत श्रेणी अपनी दिल्ली से लेके, अरावली पर्वत श्रेणी अपनी दिल्ली से लेके अहमदाबाद तक फैली हुई है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अपने पीलीघाट दर्रा स्थित है, यहां पर अपना पीलीघाट दर्रा, सॉरी पीलीघाट नहीं है, पीपलीघाट दर्रा, पीपलीघाट दर्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन नासिक और मुंबई की। तो नासिक को मुंबई से जोड़ने वाला, जैसे नासिक और मुंबई अपने यहां पर स्थित हैं, ठीक है, नासिक और मुंबई को अगर जोड़ना है तो अपन को थालघाट दर्रे से होकर जाना होगा, ठीक है। कौन सा दर्रा है? थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रे से अपन को अगर जाना है तो नासिक और मुंबई को जोड़ देंगे, ठीक है। और अगला है अपना कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? सॉरी कोलकाता नहीं, तो अगला था अपना भोरघाट दर्रा। कौन सा है? भोरघाट। भोरघाट दर्रा अपना मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है, मतलब थालघाट किन्हें जोड़ता है? अपना नासिक को मुंबई से, और भोरघाट जोड़ता है अपना मुंबई को पुणे से, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी समाप्त होती है। आज की क्लास में अपन ने दर्रों और ग्लेशियर के बारे में पढ़ा है, तो मुझे आपसे आशा है कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नमस्कार।